जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 28 तारीख को चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर हमला हुआ था। वो फार्चूनर गाड़ी में सवार थे। इसमें SSP सहारनपुर द्वारा त्वरित तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी, SP सिटी, SP देहात, CO देवबंद, SWAT और सर्विलांस की। ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये 4 लड़के हैं, एक बिक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक बिक्की रनखंडी का रहने वाला है, एक प्रशांत है और एक लविश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी बिक्की उर्फ विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है। और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा NCR और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी इसको लेके हम लोग में काफ़ी नाराज़गी थी, उल्टे सीधे जो बयान थे, इसलिए ये लोग आ रहे थे। और टोल पर, रोहाना टोल पर, इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का काफिला था, तत्काल इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और पीछा करते हुए इन्होंने देवबंद में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायरिंग के द्वारा की गई है जो 315 बोर के तमंचे से की गई है। और इन अभियुक्तों में से कुछ का आपराधिक इतिहास पूर्व में 307 और लूट का रहा है, जो एक दो घटनाएं हैं जो प्रेस नोट में हमने मेंशन कर रखा है। ये लगातार काम करने के पश्चात इन चारों की गिरफ्तारी की गई, गाड़ी बरामद की गई, वेपन बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में DGP महोदय द्वारा जो पुलिस टीम काम कर रही थी उसको 50,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है। घटना का जल्दी से जल्दी इनके अनावरण करने के कारण इनकी गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है। वहाँ यहाँ की टीम गई और वहाँ पापड़ थाने में एंट्री कराई गई है। एंट्री करा के इनकी गिरफ्तारी की गई, लाया गया इन्हें वहाँ से। और इसमें जो भी राजपत्रित अधिकारी लगे हुए हैं उन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। जी, इनका आपराधिक इतिहास हमने मेंशन कर दिया है प्रेस नोट में, 307 के और कुछ अन्य मामले पूर्व में है, वो सारी चीजें हमने आप लोगों को मेंशन कर दी। इन चारों का आपराधिक इतिहास है या दो का? 4 में से 3 का आपराधिक इतिहास अभी तक हमें प्राप्त हुआ है। गाड़ी में आते वक्त हथियार कहां से उपलब्ध हुए? हथियार इनके पास थे, जैसा कि हमने बताया पूर्व में भी इन्होंने 307 की और एक लूट की घटना में भी ये शामिल रहे देवबंद में, तो इनका आपराधिक इतिहास पहले से रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।